प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं NCERT गणित का चैप्टर 1। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। तो चलिए हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं जिससे कि आपको आगे के सवाल करने में आसानी हो। तो जैसा कि चैप्टर के नाम को अगर हम समझे वास्तविक संख्याएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या है मूल रूप से जो परिमेय संख्याएं होती है और अपरिमेय संख्याएं होती है। उन्हीं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या है। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलके अपनी वास्तविक संख्याएं बनती है। तो मैं आपको सीधा परिमेय अपरिमेय ना समझाते हुए कुछ और बेसिक बातें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद में हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो मैं नंबर वाइज यहाँ पर एक एक करके संख्याओं के प्रकार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संख्याएँ कुल कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो नंबर 1 पर आती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संख्याएँ कितनी प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम n से डिफाइन करते हैं, किससे? n से। अब ये प्राकृत संख्या क्या होती है, जितनी भी संख्या को हम वास्तविक रूप से गिन सकते हैं जैसे कि 1, 2, 3 या जितनी भी संख्याओं को हम गिन सकते हैं उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मैं इसका उदाहरण आपको बता दे सकता हूँ, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से गिनती में तुम कितनी संख्याएं ले लो ये सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसको हम n से डिफाइन करते हैं। अब प्राकृत संख्याओं के बाद में आती है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। पूर्ण संख्याएं या इनको होल नंबर भी कहते हैं और इसको हम w से डिफाइन करते हैं। अगर हम प्राकृत संख्याओं में, जैसे कि प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये निरंतर बढ़ती जाती है, अगर हम इन प्राकृत संख्याओं में के आगे 0 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? 0। अगर इनके आगे 0 जोड़ दें तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप प्राकृत संख्याओं को और पूर्ण संख्याओं को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और फिर से रिपीट करवाता हूँ मैं आपको कि प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी कि जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सारी प्राकृत संख्याएँ कहलाती है और इसको हम n से डिफाइन करते हैं। और इसके अलावा पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याओं को हम w से डिफाइन करते हैं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर्स कहा जाता है और अगर हम प्राकृत संख्याओं के आगे 0 जोड़ दें तो वो रख दें तो वो पूर्ण संख्याएँ कहलाती है। तो अब आप प्राकृत संख्याएँ और पूर्ण संख्याएँ सीख चुके होंगे। अब
मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगले नंबर की जो संख्याएं होती है जिनको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक, और इसको हम जेड से डिफाइन करते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? अगर हम पूर्ण संख्याओं के माइनस वाले अंक भी ले लें तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। अगर हम शून्य से ऋणात्मक संख्याएं लेते चलते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा इसको इस तरह से कर लेता हूँ मैं, कि अगर ये आप 0 से ऋणात्मक संख्या जैसे हम लेते चलते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो आप ये तीनों प्रकार की संख्याओं को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि 0 से जो छोटी संख्याएं होती है उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और 0 से जो बड़ी संख्याएं होती है उनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये ऋणात्मक होती है और ये धनात्मक होती है। तो अब आप इन चीज़ों को, तीनों प्रकार की संख्याओं को आसानी से समझ गए होंगे। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी कि जिन संख्याओं को हम आसानी से गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और प्राकृत संख्याओं को हम n से डिफाइन करते हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याओं में, यानी कि प्राकृत संख्याओं में हम अगर 0 जोड़ दे आगे तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। और पूर्णांक क्या होते हैं? कि 0 से छोटी यानी कि माइनस वाली संख्याओं को हम अगर ऐड कर दें तो वो पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की हो सकती है, जैसे कि धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये आपकी तीन प्रकार की संख्याएँ हो चुकी है। अब हम समझेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएँ जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है, तो अब हम जानेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ क्या होती है। इसके आगे अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएँ क्या होती है? यानी कि जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जी, इन चीज़ को आप याद रखिए, यानी कि जो संख्याएं परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब पी बाई क्यू क्या होता है? यानी कि जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 3/4 हो गया, या 1/2 हो गया, या -3/1 हो गया। यानी कि कुल सीधा सा अगर अपनी देसी भाषा में हम समझें तो जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में या भाग के रूप में लिख सकते हैं वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो आशा करता हूँ आपको परिमेय संख्याएं समझ में आ गई होंगी। परिमेय संख्या बेसिकली, आप ज़्यादा कुछ याद मत रखिए, बस इतना सा याद रखिए कि जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वो सारी संख्याएँ परिमेय संख्याएँ कहलाती है। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी पूर्णांक होते हैं, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये परीक्षाओं में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि परिमेय संख्याएं किन से मिलकर बनती है। तो सभी पूर्णांक संख्या जितनी भी होती है, ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये पूर्णांक संख्या है, इसमें माइनस वाले अंक भी है और प्लस वाले भी है, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक जितनी भी संख्या होती है वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो परिमेय संख्याएं आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या क्या होती है?
ये बिल्कुल परिमेय का उल्टा है, यानी कि जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसकी परिभाषा अगर हम दें तो, जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब ये क्या होती है, यानी कि इन संख्याओं को हम पी बाई क्यू यानी कि बटे के रूप में नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं रूट तीन, इस रूट तीन को हम पी बाई क्यू यानी कि बटे के रूप में हम नहीं लिख पाते हैं। जैसे कि रूट दो हो गया, इसको भी हम बटे के रूप में नहीं लिख पाते हैं। और इसके अलावा एक पाई हो गई, पाई को भी हम बटे के रूप में नहीं लिख पाते हैं। तो ये सारी संख्याएं जो हैं ये कुछ अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। ये अपरिमेय संख्याएं हैं क्योंकि इनको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि वैसे पाई का मान 22/7 होता है, तो आप अगर कहोगे कि सर हम पाई को बटे के रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम परिमेय संख्या मान लें या अपरिमेय, तो पाई का जो वास्तविक मान होता है वो ये नहीं है, पाई का वास्तविक मान कुछ और है, जबकि 22/7 उसका अनुमानित मान होता है। तो इसलिए पाई जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्याएँ हैं। तो ये इस पार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आज मैंने आपको बताई। एक बार और रिवीजन में आपको करवा देता हूँ इन चीज़ों का, कि आज हम अध्याय एक चैप्टर पढ़ा था हमने इसका कक्षा 10वीं का, इसमें हमने बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। और संख्याओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्राकृत संख्याएं होती है जिनको हम n से डिफाइन करते हैं, जैसे कि जो गिनती वाली संख्या होती है 1, 2, 3, 4, ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याओं की अगर बात करें तो अगर प्राकृत संख्याओं में हम 0 जोड़ दें आगे तो वो पूर्ण संख्याएँ बन जाती है। और पूर्णांक की अगर हम बात करें तो 0 से नीचे माइनस वाले इंटीजर्स अगर हम जोड़ दें तो वो पूर्णांक बन जाते हैं। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याएं सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। परिमेय संख्या होती क्या है तो उसके लिए देखिए आप, जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती है, यानी कि जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। और इसके बाद में हमने देखा था अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में या पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, जैसे कि रूट तीन, रूट दो, पाई आदि अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगला वीडियो मैं लेके बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ, उसमें हम अध्याय एक प्रश्नवली 1.1 पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित विषय की। इसी के साथ मैं इस वीडियो में से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।